में जी शुरू करते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं। सॉरी, अब जो बात हो रही थी केवो सरफेस एंगल की, केवो से मुराद है हमारा कैविटी। तो कैविटी सरफेस एंगल, कैविटी यहां पे इस बॉक्स को आप कैविटी समझेंगे, क्योंकि हम उसको वैसा नहीं बना सकते, ये इतने हिस्से को आप मतलब ये एक्सक्लूड होगा ना। तो ये जब हम कैविटी बना रहे हैं इधर, तो ये वाला जो सरफेस है, एक ये वाली सरफेस होगी, दूसरी यहां पे सरफेस बनेगी इसकी, ये वाली। तो ये जो कैविटी की सरफेस, एक ये और एक ये केवो सरफेस एंगल होंगे हमारे। तो ये जो एंगल होंगे इस राड के साथ परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर से क्या मुराद? 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और सॉरी सेंटीग्रेड ऐसे हमने बना दिए डिग्री, 90 डिग्रीज पर, सेंटीग्रेड नहीं। तो ये केवो सरफेस एंगल जो होंगे ये पैरेलल होंगे लॉन्ग एक्सिस ऑफ किसके, प्रिज्म के। तो उससे हमें 90 डिग्री अचीव होगा। तो 90 डिग्री में क्या होगा कि हमारे पास एक अच्छी कैविटी बन सकती है 90 डिग्री वाले। लेकिन होना ये चाहिए, वो कहते हैं कि हमें 120 डिग्री पे होना चाहिए। 120 डिग्री का मतलब क्या होगा कि इस तरह का कोई, ये यहां पे हम आ जाए इस तरह से, एंगल जो है ना ये जरा सा यूं लेटा हुआ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ये हम 120 वाला डिग्री वाला बनाए के वो सरफेस एंगल, तो अब यहां पे क्या होगा, ये हमारे पास इनेमल जो होगा फिर क्या होगा, कैविटी तो हमारी सिर्फ इनेमल में तो नहीं है ना, नीचे तक जाएगी डेंटिन में। तो जब हम इसको यहां से कटिंग शुरू कर रहे हैं यूं करके लेके आए, देखें ये सीधा अगर लेके जाए तो ये तो सीधा रहेगा, लेकिन और वो बिल्कुल ठीक रहेगा, पैरेलल उसमें उसको पैरेलल कहता हूँ, सॉरी पैरेलल भी हो सकती है, और दूसरे नंबर पे क्या होगा, एट राइट एंगल भी हो सकती है। तो ये जो है ये तकरीबन पैरेलल रहेंगे लॉन्ग एक्सिस के साथ, तो ये हमारे पास एक अच्छा 90 डिग्री वाला एच पैटर्न अच्छा रहेगा। लेकिन होना ये चाहिए, वो कहते हैं इस तरह से हम इस तरफ से आए और 120 डिग्री का एक केवो सरफेस एंगल डालें जब हम कैविटी बनाए। तो जब हम ये इसमें इस तरह से रॉड्स की कटिंग कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास अनसपोर्टेड इनेमल रहने के चांसेस ज्यादा होंगे नीचे की तरफ से, और ये चूंकि थिन होता जाएगा ये वाला एरिया, ये वाला खास तौर पे, तो क्या होगा फिर जी, क्योंकि कैविटी जब हम बनाएंगे तो कैविटी हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, कैविटी हमारी होगी इस तरह से, हमने क्योंकि कैविटी के लिए हमने ये यूं किया था ना, कैविटी हम इस तरह से इन्वर्टेड कोन बनाते हैं, यही हमने कहा था ना कैविटी हम इस तरह से बनाते हैं। तो जब हम इस तरह से इनेमल के अंदर कैविटी बनाएंगे, ये चीज हम इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा फिर जब ये चीज हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास तो इनेमल रह जाएगा, लेकिन इस एरिया में आके इनेमल बहुत कम हो जाएगा, यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा रह जाएगा जब हम ये कैविटी इस तरह से बना रहे होंगे। कुछ समझ आई? ये रॉड्स हमारे, ये वाले जो हमारे रॉड्स हैं, ये इधर अगर यूं पड़े हों, ये और जब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं इधर से, यूं कैविटी बना रहे हैं, और ये हमारी इनेमल है, यहां से इस तरफ इतना अगर हम कर देते हैं यूं, ये यहां तक, तो ये अब आप जब हम 120 डिग्री के ऊपर हम जा रहे हैं उसको लेके, तो क्या हो रहा है हमारे पास केवो सरफेस पे, तो ये हमारे पास अच्छा वो बन रहा है। लेकिन अगर जब हम इसका रिवर्स करेंगे जैसे हमने यहां पे किया है, तो यहां पे तो इनेमल सारा गया और यहां पे इनेमल थोड़ा सा रह गया, तो होगा क्या, ये वाला इनेमल टूटना शुरू हो जाएगा। कुछ समझ आ रही इस बात की? जिस साइड रह गया वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, अनसपोर्टेड रह जाएगा ना इनेमल हमारे पास। जब हमने ये कैविटी बना ली तो ये नीचे जो है ये सारा खाली हो गया ऐसा, तो ये वाला ऐसा जो है ये हमारा अनसपोर्टेड आता है ना ये सारा, तो ये तो फिर कुछ ना कुछ इसको इनेमल खुद ही पकड़ लेगा। लेकिन ये है तो ये सारे का सारा अनसपोर्टेड, इसके नीचे तो डेंटिन नहीं है ना, ये कैविटी हमारी जो बन गई है सुराख ये वाला सारा। कुछ समझ आ रही है कि नहीं इस बात की? जवाब तो दे दो। नहीं आ रही समझ सर।
बीबी सर वो एक स्टूडेंट है, वो कह रही है कि अलाउ कर दे. कौन कह रही है? आई थिंक सना नेम है उसकी. सर वहाब को अलाउ करें, सर वहाब रियाज को अलाउ करें। बेटा सर मुझे मैं आ गया। अस्सलाम बेटा मैंने किसी को भी वो नहीं वालेकुम किया, मैंने किसी को नहीं किया कुछ भी. जिसका जो दिल कर रही है, क्या कहता है अब्दुल्ला अफरीदी, क्या कहना चाहता है जवाब दिया. तो ये देखो सर। सामने हो बैठा हुआ गया, है, बस हो गया सर, वहाब सारे को हुए हो होते गया हैं. ये सर। टाइम इनके अपने उधर से थ्रू होते हुए लगता है. मैं सबको अलाउ करता जाता हूँ. हाँ जी, अब्दुल्ला साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, एक बंदा और हाथ है, उसने वो किया हुआ है, रेस किया हुआ. हाँ जी, ड्रोन साहब आपने क्यों माइक अब्दुल्ला खोला? सर, ये अब्दुल्ला को कहने की हाथ नीचे कर रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं खुद ही उसका हाथ डाउन कर देता, ऐसी कौन सी बात है. ये लो. और सर सलाम के लिए किए, अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, वालेकुम. सलाम के लिए किया है सर कैसे हो मैंने। आए? अच्छा जी भाईजान, ये देखें आप लोग कि जब हमने कैविटी बनानी है तो अनसपोर्टेड इनेमल हमारा हो जाएगा, क्योंकि नीचे डेंटिन तो वैसे ही खाई हुई थी और फिर हमने उसको इधर अंडरमाइन भी कर दिया. समझ आई कुछ? सर डेंटिन कहाँ गई? ये डेंटिन, ये सुराख है ना बीबी, ये हमने कैविटी बना दिया ना, डेंटिन नहीं, वो को साफ कर दिया. अनसपोर्टेड अनसपोर्टेड इनेमल था ना सर, डेंटिन कहाँ गया उसका? डेंटिन खाया, सुराख हो गया, दांत में कैविटी थी, कैरियस डेंटिन सर थी. आवाज कट रही है आपकी. चले मैं दोबारा बता रहा हूँ, कैरियस डेंटिन थी बीबी, डेंटिन कैरियस थी ना, कीड़ा लगा हुआ था दांत में. अच्छा, उसकी जगह कैविटी बनाई. सही है सर, हाँ, ये डेल कौन आ ठीक है गया, सर, इसको आने देंगे ना? ठीक है सर. ये डेल कौन है जी, इसको पूछो और फिर सर ये बताओ कि डेल पता कौन नहीं है. है, कोई होगा। ओके सर, पूछते हैं सर, होगा पूछ गीगल, लेते ये को पता नहीं. अच्छा जी, यहाँ पे आप इसको समझें, जब ये बता देगा कौन है फिर हम देखेंगे. ये जो चीज है ये हमारी कैविटी है. यहाँ पे पहले जो था, चले हम इसको थोड़ा सा और कुछ कर देते हैं इसके अंदर. ये कैरियस था, ये वाला एरिया हमारा कैरियस था, ये वाला सारा, ठीक है जी. ये कैरियस था, कैरिस को हमने रिमूव किया और फिर साथ में हमने ये कैविटी बना दी. और कैविटी हमने कहा है कि हमने बड़ी कैविटी होगी कंपोजिट की, तो हम क्या करेंगे जी, उसको मैक्रो मैकेनिकल बनाएंगे और उसको हम अंडरकट देंगे. तो ये अंडरकट बना दिया. जब ये अंडरकट बनता है तो ये इनेमल हमारा क्या हो जाता है, अनसपोर्टेड हो जाता है. अब इसी कैविटी को हम अगर उल्टा कर देते हैं, 120 डिग्री फिनिश देते हैं, तो फिर हमारी कैविटी कैसी हो जाएगी? वो कुछ इस तरह की हो जाएगी. सॉरी, फिर हमारा क्या होगा जी, के अब हमारी जो कैविटी होगी, कैविटी के साथ जो बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, उल्टा ये चीज हो जाएगी हमारी, ठीक है. ये 120 डिग्री इस तरह से बनेगी. अब ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा, ये वाला, ये सारा, ये 120 बन गया तकरीबन. इस इधर से अगर हम इसको वो करें तो क्या ख्याल है, 120 डिग्री का ये एंगल बन रहा है ना हमारे पास, ये और ये जी, कुछ समझ आ रही है? तो अब जब ये 120 का बनेगा तो अब यहां पर अगर ये इनेमल में ये है तो क्या होगा, ये जो छोटे छोटे जो हमारे पास रॉड्स रह जाएंगे, होंगे तो ये सपोर्टेड नीचे से, लेकिन चीज क्या होगी, इसमें ऊपर जो है ये थिन होगा सेक्शन, यहां पे इस एरिया में खास तौर पर. तो यहां पे इसके ब्रेक होने के इन एरियाज में चांसेस बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दिस वन. क्या अगर ये 90 डिग्री अगर हम ले जाते हैं बिल्कुल उस एंगल को, तो यहां पे हमारे पास कोई अनसपोर्टेड अब जो होगा, क्योंकि ये सपोर्टेड तो है ये इनेमल नीचे, लेकिन ये सपोर्टेड किस, ये अब हमारा रेजन है, ये रेजन सपोर्टेड. अब इधर इनेमल नहीं रह गया, नीचे डेंटिन होगी और ऊपर ये जो हमारी जो चीज होगी ये इनेमल नहीं होगा अब, क्योंकि यहां पे हमने कैविटी बनाई हुई है, क्योंकि यहां पे हमने 120 डिग्री फिनिश दिया है कैविटी को. तो ये 120 डिग्री फिनिश जो होगा जब हम देंगे तो इसमें क्या होगा, उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे.
ठीक है। और इसका 120 वाला जो होगा इसमें एक चीज तो होगी कि एच पैटर्न जो होगा वो तो हमारा एक अच्छा होगा, लेकिन फिनिश जो होगा टूथ कलर रेस्टोरेशन के लिए जो सिस्टम है वो हमारा अच्छा नहीं होगा, और अगर अच्छा हो भी तो वो इतना इजी नहीं होगा कि हम इस चीज को अचीव कर सके किसी टूथ कलर रेस्टोरेशन में। 90 डिग्री में बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। उसके अलावा अब आती है बात आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक। हाँ, डेल का कुछ पता चला? डेल कौन है सर? वहां पे ग्रुप में मैंने मैसेज किया कि कौन है सर, किसी ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। चलो ये मुझे कुछ आया है, सर ये देखते हैं। ईसा फयाज साहब है कि जी मेरा डिस्कनेक्शन हो गया, तो उसको को अननोन एरर का मैं तो कुछ नहीं कर सकता। चलो डेल वाले को ले आते हैं, देख लेते हैं ना, हो तो निकाल लेंगे। अच्छा जी, ओके सर। अब क्या हो गया जी, ये हमारे पास आ गया 90 और 120 डिग्री का कुछ पता चल गया। अब आती है एन आइसोट्रॉपिक की बात। आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक और ऑर्थोट्रॉपिक हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एन आइसोट्रॉपिक में क्या होता है हमारे पास, हमने कहा था कि सब एंगल से जो आ रहा हो वो एन आइसोट्रॉपिक होता है, और आइसोट्रॉपिक जो सिंगल उससे आ रहा होता है, ऑर्थोट्रॉपिक जो दो तरफ से होगा। ठीक है जी, तो इनेमल जो है वो भी हमारा एन आइसोट्रॉपिक है। ये क्या डेल दोबारा आ गया? एक मतलब तो हमने इसको एडमिट किया। चलो देखते हैं। अच्छा जी, अब इनेमल के बारे में वो कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर अगर हो तो सरफेस के तो ये टफ होता है, और अगर पैरेलल आए मतलब इनके साथ इस तरह सीधा सीधा आएगा तो ये वीक होगा, और अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर आए तो ये क्या होगा, ये टफ होगा। तो इसलिए वो कहते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि हम 120 के ऊपर इसको ले जाएं, लेकिन 120 के ऊपर करना बहुत मुश्किल होता है फिनिशिंग देना, तो इसलिए हम नहीं दे सकते। ठीक है जी, तो अब हम आगे चलते हैं। वीक मार्जिन जो है वही 120 डिग्री वाला जो था, हमने कहा था कि ये वीक मार्जिन देता है। वीक मार्जिन इसलिए देता है कि एक तो वहां पर हमारी मैट्रिक्स अगर हम डालते हैं, मैट्रिक्स बैंड जो हमने कहा था पढ़े थे जो आप लोगों को दिखाए थे, तो अगर उसको हमने मैट्रिक्स बैंड डालना है तो वो हम कंपोजिट के अंदर उतना ज्यादा टाइटली पैक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से होता क्या है कि उसमें से थोड़ा सा रेजन बह के बाहर चला जाता है, बाहर से मुराद वो थोड़ा सा साइड पे चला जाता है, और एक वी शेप हमारे डिफेक्ट आ जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजन होता है, और वो रेजन जो होता है वो सारे का सारा कमजोर होता है और उसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो ये अनफिल्ड रेजन जिसके साथ हम बॉन्डिंग एजेंट जिसको हम कहते हैं वो हम लगाते हैं, तो उसमें वियर और डिग्रेडेशन ये सारी कुछ हो जाती है, जिसकी वजह से हम फिर क्या करते हैं कि 90 डिग्री के वो सरफेस एंगल को प्रेफर करते हैं। और ये कैसे होता है ये इस पिक्चर से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक कैविटी है, इस कैविटी के अंदर ये टूथ है, रिमोलर एक टूथ है हमारे पास, ये देखें ये वाला जो है ये कैविटी है, इसमें ये हमने बनाई है, यहां पे हमने 90 डिग्री दी है और यहाँ पे हमने 120 डिग्री फिनिश दे दी है केवो सरफेस। अब ये 90 और 120 डिग्री फिनिश का भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होना चाहिए। अब जो हम इसके लिए जो मैट्रिक्स स्ट्रिप रखते हैं, तो ये आप देखें ये हमारे इनेमल रॉड्स हैं, ये आप देख रहे हैं ये सीधे, तो ये 90 डिग्री वाला आएगा और ये यहाँ पे जब जाएगा ये 120 जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया, तो ये यहाँ पर जब जिस वक्त ये पहुंच जाएगा तो ये सपोर्टेड है, वेल सपोर्टेड है इनेमल, यहाँ पे डेंटीन भी है, ये इनेमल भी है, लेकिन ये जो फिलिंग है ये हमारी सपोर्टेड इतनी नहीं है, ये बहुत थिन है। दूसरे नंबर पे ये अनफिल्ड रेजन है, अनफिल्ड रेजन जो होता है ये
हमारा कमजोर तरीन होता है। तो जब हम इसको क्योर करेंगे और ये हमारा जो मैट्रिक्स बैंड, इसमें मैट्रिक्स स्ट्रिप होती है, इसमें बैंड तो होता नहीं, स्ट्रिप होती है, तो ये हमारी अमूमन स्ट्रेट हो जाती है क्योंकि ये प्लास्टिक होती है और इसको हमने फिक्स किया नहीं होता हाथों से या किसी चीज से हम पकड़ के खींच लेते हैं, तो वो इतना खास हमें फिक्सेशन वहां पे नहीं होती, तो उस वजह से ये जो ब्लैक एरिया है यहाँ पे हमारी पुलिंग हो जाएगी अनफिल्ड रीजन की, जो के बाद में डिसइंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट जी, अब आता है जी DBA। DBA मीन डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट। जी क्या है DBA? ये देखें, ये हमने लिखा हुआ है डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट। ये अब ये क्या है, एचिंग हमने पढ़ ली। एचिंग में हम क्या करते हैं, एसिड लेते हैं और एच करते हैं और सरफेस एरिया उनका ज्यादा कर देते हैं, सरफेस एनर्जी ज्यादा हो जाती है, हाईली रिसेप्टिव टू वेटिंग हो जाते हैं एचिंग के। ये जो सारे हमारा जो है गोल्स होते हैं वो जब अचीव हो जाते हैं, तो अब हम जो एच सरफेस है उसको हम एक अनफिल्ड रेजिन, कंपोजिट वाला ही होता है रेजिन, वही रेजिन जो हमने कंपोजिट में इस्तेमाल किया होता है जो बॉन्डिंग के लिए, लेकिन ये अनफिल्ड होता है। इसमें हमारे अनफिल्ड का क्या मतलब होता है, इसमें क्या नहीं होगा जी, अनफिल्ड रेजन में क्या नहीं होगा, क्या चीज लैक करेगी, सारे सोए हुए लगता है मुझे, फिर तो नाश्ता करने तो नहीं चले जाते आप सब लोग, है तो इधर ही सर, तो आप, बोल नहीं रहा। आप भी तो दे देना कि नहीं, जवाब ही नहीं देते। अनफिल्ड रेजन में क्या होता है, हम इसको पढ़ चुके हैं सारी चीजों को, अनफिल्ड का क्या मतलब है, फिल्ड कैसे होगा, फिल्ड ऐसे होगा जिसमें हम फिलर डालेंगे, तो अनफिल्ड रीजन का मतलब है विदाउट फिलर। ठीक है जी, तो ये अनफिल्ड रीजन जो होता है उसको हम डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट भी कहते हैं। अब बात का क्या मतलब सर, डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट नाम है, अनफिल्ड रेजंस जो होते हैं कंपोजिट के लिए जो हम यूज करते हैं इनको हम डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम ये है। और चूंकि हमने सर, तो इसमें हम फिलर क्यों नहीं डालेंगे, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, इसमें फिलर हम पहले बात कर चुके हैं कि हमें इसका फ्लो चाहिए, ये हमने जो हमने पोरस सरफेस क्रिएट की है किस चीज के साथ, एसिड एचिंग के साथ, ये उसमें फ्लो कर जाए, उस सारी को कवर कर ले, उसको वेट कर दे, इसलिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो कि हम क्या कर सके, जो फ्लो कर सके, उसके अंदर फ्लो कर सके, तो हम उसको क्या करें, उसके लिए अगर हम फिलर डाल देंगे तो फिलर के साथ तो उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी, वो फ्लो नहीं कर सकेगा, उसको वेट नहीं कर सकेगा, इसलिए हम फिलर्स को निकाल के सिर्फ बॉन्डिंग एजेंट लगा देते हैं जो के जिसको हम डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट भी कहते हैं, और वो हमारा रीजन होता है और अनफिल्ड रीजन होता है। हाँ जी दुआ जावेद साहब, आप क्या कहना चाहती हैं, क्या आप भी सलाम सर, तो बाद में तो फिर फिलर डालेंगे ना, क्या आएगा बेटा, बाद में तो फिलर डालेंगे ना, फिलर डालना है अभी तो, हम जो हमने देखे जो हमने ये क्या हो गया, देखें जो चीज हमने जब फिलर को हमने नहीं इस्तेमाल करना, सबसे पहले तो हमने हमारा जो इनेमल है या डेंटीन है ये जेन में रखें, ये जो सरफेस होती है ये हाइड्रोफिलिक होती है, क्या ख्याल है, रेजिन जो होता है वो हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, तो इन दोनों को हमने जब मिलाना है तो अब हम ये जो रेजन, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जी सर ये फेक है, दुआ जावेद फेक है, अच्छा इसीलिए इसने हैंड रेज किया हुआ है, कौन वाली, कौन सी वाली है, लोअर हैंड करूं का, नहीं दूसरी है, दो है एक है सर, ये ग्रीन पट्टी आई है सर, ग्रीन कलर वाली सर, ये ब्लू वाली जो है सर ये फेक है ना, ब्लू वाली फेक है,
सर डटी आई है यार, छुट्टी आई है। ये तो मेरे पास तो ग्रीन आ रही है, तुम लोगों को कौन सी आ रही है यार? ये दुआ तो एक ही है सर, येलो है सर, ग्रीन सर, ग्रीन सर डटी आई है। बात है बेटा, हरी डिफरेंट। अच्छा जी, अच्छा तो उस सरफेस को हमने क्या करना होता है, सरफेस एनर्जी ज्यादा करते हैं ताकि उसके साथ कुछ रेजन टैग्स, ये हम बाद में आपको बताएंगे, बन सके और ये जो है उसको वेट कर सके। जब ये जाता है तो फिर इनेमल जो ये जो हमारे पास जब हमने ये जो डाला है डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट, तो ये डुअल फंक्शनल होता है, दो इसके फंक्शन होते हैं। ये एक तरफ जो होता है इनेमल की तरफ से, सॉरी इनेमल जो है ये भी मेरे ख्याल से इसको, लेकिन डेंटीन जो है हमारी खास तौर पर ये हाइड्रो क्या है, फिलिक है। तो ये डेंटीन के अंदर चला जाता है और वहां पे टैग्स बनाता है। तो इसका ये डाई फंक्शनल होता है, एक सिरा इसका जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, दूसरा हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक वाला डेंटीन के अंदर जाकर अटैच हो जाता है और बाहर की तरफ हाइड्रो क्या रह जाता है, फोबिक रह जाता है। फोबिक रह। हाइड्रोफोबिक के साथ हम जो फिल्ड रेजन जब हम डालेंगे, कंपोजिट की जो फिलिंग डालेंगे, रेस्टोरेटिव मटेरियल डालेंगे, वो उसके साथ अटैच होगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट हम इसलिए कहते हैं कि ये डेंटीन के साथ बॉन्डिंग करता है। आप कुछ समझ आ गई? यस सर, थैंक यू सर। ये खैर अभी एक और चैप्टर है इसका बॉन्डिंग का, वो अभी हम पढ़ेंगे, वो इससे भी लंबा है तकरीबन 114-15 उसकी भी स्लाइड है। अच्छा जी, डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट जो हैं ये कंपोजिट को डेंटीन के साथ मिलाने के लिए होते हैं और इनेमल के साथ भी ये बॉन्ड कर जाते हैं। उसके अलावा कहते हैं जी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है सर, इनेमल तो हमने हटाया नहीं था, इसको हटा रहा किस किस को? इनेमल को सर। बेटा बास जगहों पे हमने कहा है ना कि हम इनेमल को हटाते नहीं है, हमने इनेमल थोड़े से को हटाना है सारे। बाज जगह पे ऐसे होता है कि इनेमल के अंदर भी हमें फिलिंग करनी पड़ जाती है, सिर्फ इनेमल ही होता है वहां पे, लेकिन बाज का ये होता है कि हमने इनेमल को हम रख, इनेमल इतना केरियस नहीं होता, नीचे डेंटीन ज्यादा केरियस होती है। तो ये मुख्तलिफ, हर चीज मुख्तलिफ है, लेकिन ये चीज आपने जहन में रखनी है कि डेंटीन के डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट जो है ये इनेमल को भी करता है। अब हम आगे थ्योरीज पढ़ेंगे कि ये कैसे होता था और पहले कैसे क्यों नहीं होता था और अब क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें अभी आने वाली है दूसरे चैप्टर। इनेमल तो अनसपोर्टेड हम हटा देते हैं ना, जो अनसपोर्टेड नहीं है तो जब हम एक 90 डिग्री की एक लाइन लगाएंगे तो पहले इनेमल होगा उसके बाद नीचे डेंटीन आएगी ना, तो वो वाला इनेमल तो हमने एच करना है कि नहीं, बॉन्ड करना है कि नहीं करना? ठीक है सर, समझ आई कि नहीं? दोबारा समझाऊं इस बात को? आ गई सर। ठीक है, फिर भी ये इस पिक्चर को दोबारा देख लें। ये देखें, ये हमारा इनेमल है, ये डेंटीन है, ये जब हम कैविटी बना रहे हैं तो ये डेंटीन है ना, ये डेंटीन में है ये वाली, ये चीज तो डेंटीन क्लियर नजर आ रही है ना, ये वाला ये पोर्शन, तो ये डेंटीन, ये हमने 90 डिग्री का एक कट लगाया हुआ, ये हमने क्लियर की हुई कैविटी बनाई है, तो यहां से लेके यहां तक पोर्शन जो है ये हमारा डेंटीन में है, यहां से लेके यहां पे हमारा इनेमल में है, ये इनेमल रॉड्स है, तो ये डेंटीन को भी हमने एच करना होगा क्योंकि इधर भी बॉन्डिंग करनी है, तो इनेमल को भी एच करना है और इनेमल की भी बॉन्डिंग करनी है, बॉन्डिंग एजेंट हम दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्लियर जी? अच्छा जी, अब क्या होगा जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट अगर हम लगाते हैं तो ये क्या होता है, इससे ज्यादा हो जाती है और उसके अलावा ये एक इंटरमीडिएट लेयर के तौर के ऊपर काम करता है, ठीक है जी, जो के ग्रेटर होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ जब हम इस इंटरमीडिएट लेयर के थ्रू करते हैं, जो डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट से हम अचीव करते हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंपल अनफिल्ड रेजन के बॉन्ड से ज्यादा बेहतर होती है। समझ आई सर? ये एडिशनल कंपोनेंट पर हम ऐड करते हैं, ये डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट जो है।
एडिशनल नहीं, ये हम कंपोजिट जब फिलिंग करते हैं तो इसमें ये प्रोटोकॉल ये होता है कि पहले हम एच करते हैं, फिर बॉन्ड करते हैं, फिर हम उसके बाद फिलिंग करते हैं। तीन स्टेप में होती है। तो बाद में कुछ स्टेप्स कम भी हुए हैं, किसी में दो हो जाते हैं, किसी में एक हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट वाला दो, कम अज कम दो स्टेप रहते ही रहते हैं। पहले चार चार स्टेप होते थे, अब उसके बाद तीन स्टेप आए, फिर तीन से दो हुए, लेकिन कम अज कम दो स्टेप्स है हमारे पास। सर ये बॉन्डिंग एजेंट्स को बेस भी कहते हैं ना? सॉरी सर, ये बॉन्डिंग एजेंट्स को बेस भी कहते हैं ना? नहीं नहीं, बेस नहीं कहते। सर वो बेस नहीं होता, वो जो नीचे पहले बेस डालते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो बेस और चीज होती है, ये बॉन्डिंग एजेंट और चीज है। ठीक है ठीक है सर। जो हम कंपोजिट फिलिंग करते हैं, हम पहले बात कर चुके, इसके नीचे हमें अमूमन बेस की जरूरत ही नहीं होती। सही, ठीक है। बेस हमें वहां पे होती है जहाँ पे खुदा ना खासा कोई हमसे मिस हैप हो गया, वहां पे कोई हमारी ये जो है पल्प जो है डैमेज होगी, तो वहां नजर आ गई। यस सर, वहां पे हमने करनी है, वैसे नहीं करनी। ठीक है सर। तो जहां पे हमने डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट को इंटरमीडिएटली लेयर के तौर पर यूज किया हुआ है, उस जगह पे वो कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी अमूमन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंपल अनफिल्ड रेजन को यूज करने के। हालांकि ये बड़ी अजीब सी बात है कि सिंपल अनफिल्ड रेजन जो है हमारा और डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर क्या मसला आ सकता है? अजीबोगरीब स्टेटमेंट है, लेकिन आप लोग याद रखें, आप लिख दें, आप बता दें कि जी हाँ ये है बुक में ये लिखा हुआ, वरना अगर दोनों किस तरह देखें, ये पॉइंट नंबर टू को पढ़ लें और पॉइंट नंबर फोर को भी पढ़ लीजिएगा आराम से बाद में, दोनों एक ही चीजें हैं। और फिर ये क्यों हो जाती है इसको भी देखिएगा, एक ही चीज है, अनफिल्ड रीजन वो भी, अनफिल्ड रीजन ये भी है, उसको लगाएं चाहे डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट को लगाएं, इसमें कोई फर्क तो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इसके ऊपर वो फिर कहते हैं कि ये इसेंशियल है कि अनफिल्ड रीजन एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन एज एनामल एंड कंपोजिट लाजमी यूज करें। तो अगर इस पॉइंट को भी देखें तो ये भी अनफिल्ड रीजन है और ये भी अनफिल्ड रीजन है, ये इंटरमीडिएटरी के तौर पे कहते हैं लेयर के आप यूज कर लें अनफिल्ड को, और यहाँ पे कहते हैं कि अनफिल्ड रीजन जो है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है और ये दूसरे की इंटरमीडिएटरी लेयर की ज्यादा होती है। इसके ऊपर आप लोग घूमते रहें, ये आपका अपना काम है, मेरा काम थोड़ा सा समझा देना है। ठीक है, तो सिर्फ हम नहीं उल्टी सीधी मारते, अंग्रेज भी इस किस्म की उल्टी सीधी बहुत ज्यादा हाँकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा मैं जी क्लास से चका रहा भाई, इंशाल्लाह मैं आपका बाद चाहे सर फिर थोड़ा बात करता हूँ। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है, उसको भी पढ़ लें। वो कहते हैं जी मॉडर्न कंपोजिट जो है इनके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी रेजन की पड़ी हुई होती है। ठीक है जी, तो इसलिए वो कहते हैं ये एनामल सरफेस को क्या करते हैं, सॉरी सफिशिएंटली स्मॉल क्वांटिटीज पड़ी होती हैं रेजन की, तो वो वेट नहीं कर सकते एनामल सरफेस को। ठीक है जी, विदाउट द इंटरमीडिएटरी रेजन लेयर, इसके ऊपर अब आगे जाके भी बात करेंगे, वो कुछ और चीज थी, अगर वो आती है तो अभी जो कंपोजिट आ रहे हैं उसमें रेजन बहुत कम होता है। हमने पहले कहा था क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमने फिलर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए होंगे। अब आ जा दीजिए एक अमार्फस लेयर। अमार्फस लेयर क्या है? अमार्फस लेयर कोई भी चीज जैसे गनमन आप समझ लें, दांतों के ऊपर इकट्ठा हो जाना, लेकिन ये वो वाला गंध है जो कि मिनरलाइज है। ठीक है जी, और ये अगर किसी जगह पे पड़ी होगी गंध, अगर कहीं पड़ा हो तो आप उसको साफ करना चाहें तो क्या करना पड़ता है, वहां पे ज्यादा टाइम लगता है। इवन आप तेजाब से भी साफ करना चाहें तो तेजाब उस पर थोड़ी देर ज्यादा ही लगेगा आम रूटीन की किसी साफ चीज के निस्बत। तो ये अमार्फस लेयर अमूमन हमारे मिनरलाइज लेयर होती है तो सरफेस के ऊपर, और ये इंट्रा ओरल मैचुरेशन जो होती है
वो जो होती है जो कि साइकिल होता है डी और रीमिनरलाइजेशन का, जो कि सरफेस के ऊपर होता है इनेमल की, उस वजह से बन जाती है। ठीक है, समझ आई इस बात की? सोए हुए सारे? यस सर, यस सर, समझ आ गई सर। एमॉर्फस लेयर जब बन जाएगी सर, फिर वो तो वहां पे प्रॉब्लम्स कॉज करेगी ना? हाँ ना, कॉज करेगी, क्योंकि वीक होगा। तो इसीलिए नहीं नहीं, वीक भी होगा, दूसरे नंबर पे वीक है, ये भी हो सकता है ये उससे वो भी हो। तो एमॉर्फस लेयर को हमने रिमूव करना है, एमॉर्फस लेयर हम इसीलिए आपको थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। तो ये चूंकि हमारा जब हम कोई ऐसी चीज खाते हैं एसिडिक, तो हमारा इनेमल जो है ये क्या हो जाता है, डीमिनरलाइज हो जाता है। फिर जब हम टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हैं, फ्लोराइड यूज करते हैं, तो ये रीमिनरलाइजेशन हो जाती है। हमारे अपने सलाइवा में फ्लोराइड होते हैं, तो ये सारी चीजें मिल मिला के क्या करती हैं, इसकी डी और रीमिनरलाइजेशन होते होते ये हमारे जो दांत होते हैं इनके ऊपर क्या हो जाता है, ट्रेस मिनरल्स ये वो बाकी चीजें इनके ऊपर आ जाके पूरी स्ट्रक्चर जो है उसको अल्टर करते हुए एक एमॉर्फस लेयर कर देते हैं। और अगर ये मौजूद हो तो फिर हमारा जो एचिंग प्रोसेस जो होता है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और एचिंग से पहले हमें उस एमॉर्फस लेयर को लाजमी रिमूव करना होता है। अब हाई एनर्जी इनेमल सरफेस जो होती है वो कैसे हम अचीव करते हैं, थ्रू एचिंग। उसको हम क्या उस वो जो है, क्योंकि अब हाई एनर्जी सरफेस है तो वो सिर्फ ये नहीं है कि हमारे बॉन्डिंग एजेंट को पकड़ेगी, वो सलाइवा को भी पकड़ने की कोशिश करेगी, उधर कोई प्रोटीन आएगा उसको भी कैच करेगी, क्योंकि उसके तो वो हिसाब है, वो तो अब जैसे आप लोग आजकल जज्बात में हैं, हाई एनर्जी में बैठे हुए हैं कि जी किसी तरह हम कॉलेज जाएं, ये ना हो गया हम पूरा साल गुजर गया हमने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, तो हम जाके कॉलेज की एक शक्ल देखें तो वो भी कॉलेज की शक्ल देखना चाहता है, तो अब रास्ते में उसको कोई चीज मिल जाए वो उसी में जा घुसेगा, कहेगा बस ये भी ठीक है कॉलेज तो है ना सर 20th को हम मार रहे हैं सर, आपकी क्लास होगी वहां पे इंशाल्लाह, कोई ना अल्लाह खैर करे, देखते हैं ना मेरी क्लास मेरा ख्याल से 21 को थी कि 20, 21 को थी, तो वो थर्सडे था ना, वो भी 20 को थर्सडे था, 21 को था, 20 को थर्सडे सर, तो 20 को हम आ रहे हैं बस, तो 20 को मैंने आना था, 20 को मैंने आना था, लेकिन मैडम जोरिया ने कहा कि नहीं जी आप आ जाएं इधर, तो मैं उनकी जगह पे आ गया, अब मेरी जगह पे वो आएगी, आप मैडम जोरिया से मिलिएगा सर। ये सर ये तो ज्यादती है सर, ज्यादती क्यों जी, एचओडीज तो सारे प्रेजेंट होंगे ना सर, वो क्यों जी, एचओडीज आप लेके आपको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे कि एचओडीज आपके लिए सर वो तलवारों सर एचओडीज दोनों साइड पे खड़े होके सर वो आर्मी की तरह तलवारों की सलूट देते हुए खत्म होने वाला है, आप तीसरी उसके ऊपर आ जाएं और चौथी के लिए फिर बाद में वहां पे बात करते हैं कि हम बीच में 20 मिनट की ब्रेक करें कि ना करें सर।